जय हिंद दोस्तों, मैं आरके साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड। आज आपको जो अभी नोटिफिकेशन आया है इंडियन आर्मी का भारतीय नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि जो 12वीं में बायो लेके जो पढ़े हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। और सबसे अच्छी बड़ी बात बता दूं कि ये जो पोस्ट आया है वो इंडियन आर्मी में परमानेंट पोस्ट के लिए आया है। अग्निवीर में जो 4 साल वाला प्रोग्राम था वो इसमें नियम लागू नहीं होता है। तो ध्यान से इसको सुनिए, और जिसको भी एग्जाम को पास करना है उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। मैं चाहूंगा कि यदि जो पहली बार देख रहे हैं तो इस एक अपने यूट्यूब चैनल में इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे तक जरूर बताएं। बात आती है भारतीय थल सेना में जो भर्ती है नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती 2022। ये आपको बताना चाहूंगा ये केवल लड़कों के लिए है, क्योंकि इसमें अभी तो पोस्ट बहुत सारे निकले थे। इसमें गर्ल्स के लिए भी था, बॉयज के लिए, लेकिन जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मांगा हुआ है ये अभी केवल बॉयज के लिए है। हमारे छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में इसको पूरा हम लोग पूरा तैयारी करा रहे हैं। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। इसका जो रैली है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन चाहे तो नया रायपुर और दूर ये दो जगह कंफर्मेशन हुआ है कि दोनों में से एक जगह पे होने वाला है। और इसका जो होने वाला जो डेट है वो है 21 नवम्बर और 22 नवम्बर, दो दिन है जो इसमें का रैली कंफर्म होगा। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ऑलरेडी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 23-30 अक्टूबर तक ये चलेगा। मतलब आपके पास 1 महीने का समय है, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट ये है कि सर जो हमने जीडी में जो फॉर्म डाला है वो इसमें डाल सकते नहीं। आराम से डाल सकते हो आप, उसमें एक रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हो। इसका जो पद का नाम है नर्सिंग असिस्टेंट, आपको ये परमानेंट पद है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो परमानेंट अग्निवीर में नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 3 नवंबर 2022 से 3 से नंबर से 10 नंबर के बीच में इसका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। और जो परीक्षा है वो 21 और 22 नवंबर को, तो इसका एग्जाम होगा। एग्जाम मतलब पहले सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, और जो फिजिकल करेंगे ही उनके बाद उनका रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए प्रारंभ होगा। बात आते हैं इसमें पहुंचना कब है। आपको पहुंचना है मतलब 20 तारीख को रात को ही आपको पहुंच जाना है, रात को 12:30 बजे ही पहुंच जाना है और सुबह 5 बजे तक, इतने में ही एंट्री है। उसके बाद यदि आप जाते हो चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो आपको अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो रात को 12:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में ही अपने आप को वहां पे पहुंच जाना है रैली स्थल में, कौन से डेट में 21 और 22 नवम्बर 2022 को। इसमें जो आयु मांगा हुआ है 17.5 से लेके 25 साल, मतलब 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच में जो भी स्टूडेंट आते हैं बॉयज वो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा किए जाने के लिए कुछ कुछ प्रमाण पत्र रहेगा। बहुत सारे बच्चे के साथ लिंक भेजो, लिंक बहुत बेहतरीन बताता हूँ, www.joinindianarmy.nic.in। इस पे आप लॉग इन कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप होते जाए। इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, 8वीं 10वीं 12वीं का मार्कशीट चाहिए, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आपका जो फोटो है फोटो में आपको बता देता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लस सेट में आप अपना नाम और आज को जो डेट रहेगा उसको खिंचा लीजिए, वही फोटो को अपलोड कीजिएगा, प्लस आपका साइन, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन्हीं से आपका फॉर्म भरने हो जाएगा। अब बात आती है इसमें क्या क्या मांगा गया है, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। इसमें जो मांगा गया है नर्सिंग असिस्टेंट ये परमानेंट पोस्ट है। मेन चीज है इसकी जो हाइट है 167 सेंटीमीटर, और ये लड़कों के लिए है। 167 मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका हाइट जीडी में तो नहीं आ रहा है, उनके लिए बेहतरीन है कि वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मांगा क्या गया है 12वीं पास वो भी बायो में 50% होना चाहिए इस सब्जेक्ट के, यदि बहुत बड़ा ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में और इंग्लिश में आपका एटलीस्ट 40% अबव होना चाहिए, और आपका टोटल मान के चले जाए तो आपका 12वीं में 50% होगा तभी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। ये लोग ये फॉर्म तो भर लेंगे बाद में यही बोलेंगे कि सर हमारा तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं आने का ही रीजन है कि आपका कहीं 50% से कम रहेगा तो आपका नहीं आने वाला।
अब आते हैं शारीरिक योग्यता परीक्षा। इसके लिए होगा कि आपका जो शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आपको दौड़ है वो 1600 मीटर जो रनिंग रहेगा वो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग कंप्लीट करना है, प्लस 9 मिनट का एक लंबी कूद रहेगा, प्लस जिग जैग बैलेंस यदि जरूरत पड़ेगा तो, और पुलअप्स बीम, जो बीम मारते हैं ये वाला वो आपका 10 में आपको एक्सीडेंट दिया जाएगा, यदि उससे कम मारते तो नंबरिंग की ओर ज्यादा आपका कम होते जाएगा। अब बात आती है कि हम रैली में क्या क्या लेके जाने हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, प्लस आपके जो 20 फोटोकॉपी जो आपने जो फॉर्म भरते टाइम जो फोटो अपलोड किए होंगे उसी का कम से कम 20 फोटोकॉपी चाहिए, फोटोग्राफ का और 10वीं 12वीं का फोटोकॉपी ओरिजिनल भी लेके जाना है, मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, रिलेशनशिप, ये उनके लिए है जिनके भाई या फादर जो ऑलरेडी आर्मी नेवी एयरफोर्स में होंगे तो उनके लिए रिलेशनशिप होता है। प्लस यदि जैसे किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो एनसीसी स्पोर्ट्स का लेके जा सकते हैं, प्लस पत्र व्यवहार का पत्र मतलब आपका जो इसमें आपको व्यवहार पत्र व्यवहार किया जाएगा, आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट का डिटेल। सबसे अच्छा चीज है यदि किसी का भी बैंक होगा तो उसमें क्या करना है उसका फोटोकॉपी करा के लेके चल जाना है। अब बात आती है ये सब चीज तो कर लिए, अब परीक्षा का तरीका। पहले आपको ये परीक्षा के 4 चरण में होंगे। चरण का तरीका पहले होगा पीटी पीएचटी, मतलब पीटी पीएचटी होता है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टाइम, आपका ये दोनों पहले होगा, मतलब आपका जो फिजिकल होगा वही होगा। उसके बाद आपका जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसका सत्यापन होगा कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हो, जैसे आप मूल निवासी यहाँ पे छत्तीसगढ़ एमपी मांगे हैं तो दोनों जगह के लोग वही लोग आ सकते हैं तो उसका सत्यापन होगा, प्लस आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। मैं एक चीज आपको स्पेशली बताना चाहूंगा, यदि किसी के में ग्रेस है तो प्लीज इसमें आपको अप्लाई करने के मत करना क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ऐसे नहीं होगा और जा भी नहीं पाओगे। प्लस उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जाम, उसके बाद होगा लिखित परीक्षा, वो भी इसका जो लिखित परीक्षा होगा कंप्यूटर के द्वारा होगा, सीबीडी होते हैं। ये सब चीज होने के बाद आपके पास आएगा मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट यही कंफर्म करेगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ जो ये जितने भी एग्जाम है आर्मी नेवी एयरफोर्स एनडीए सीडीएस सभी एग्जाम की तैयारी होता है। मैं खुद नेवी से रिटायर्ड हूँ और हमारे एकेडमी में अभी करीब करीब 85 से ज्यादा बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको यदि सिलेक्ट होना है इस एग्जाम को, ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं उनके लिए बता दूं आर्मी भर्ती के जो सपोर्ट तैयारी होगा फिजिकल प्लस लिखित परीक्षा प्लस मेडिकल, तो ये जो फौजी बनने का जो आपको जो सपना है वो आपसे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो एकेडमी है छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी जो रायपुर में है, इसका एड्रेस है ये महादेव घाट रोड रायपुर में, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9516087108 और 8817838636, ये दो मोबाइल नंबर है। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो आप बेझिझक यहाँ पे आके पूछ सकते हो फोन करके। और मैं एक ही चाहूंगा यदि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे किसी कारणवश यदि वो नहीं आ पा रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेडिकल इसके लिए आप एकेडमी में जरूर आए और अपना ये जो 2 एग्जाम को आप पास कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आप रिजेक्ट हो जाते हो तो उससे बहुत बड़ा दुख होता है। मैं ये चाहूंगा कि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है आप बेझिझक पूछें। थैंक यू, जय हिंद।